हैप्पी दिवाली आप सभी को। दिवाली पे हम बनाएंगे सूजी के लड्डू। सबसे पहले उसके लिए मैंने एक कप सूजी लिया है। 5 टेबलस्पून घी में सूजी को 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है, लो फ्लेम पे रखना है। अभी आधा कप ड्राई कोकोनट पाउडर मिलाएंगे, उसको भी 5 मिनट लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। अच्छे से सीक जाने के बाद इसमें हम 1 कप शुगर मिला देंगे, इसको भी 2-3 मिनट के लिए हम अच्छे से मिला देंगे सभी को। टू थ्री मिनट के बाद गैस बंद करके इसमें 1 कप मिल्क मिला देंगे और इसको अच्छे से बाइंडिंग करना है ताकि सभी अच्छे से मिक्स हो जाए। सूजी में थोड़ा मिल्क मिलाने के बाद उसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि वो मिल्क सब ऑब्जर्व कर लेगा सूजी। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा मिल्क और मिला सकते हैं, अच्छे से लड्डू के शेप में हो जाना चाहिए। सभी को थोड़ा थोड़ा लेके लड्डू शेप में बना देंगे। सभी के छोटे छोटे बॉल बनाने के बाद उनको साइड में रख देंगे। ये हमारे बहुत सुंदर लड्डू तैयार हो गए हैं। आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं आलमंड और पिस्ता से।
अभी हम दूसरी तरह की मिठाई बनाएंगे, वो भी बहुत जल्दी बन जाती है, बिना गैस के 5-10 मिनट में अब तैयार हो जाती है। इसके लिए हम लेंगे 3 स्पून डेसिकेटेड कोकोनट, 2 स्पून शुगर, 2 स्पून मिल्क पाउडर, 15 से 20 काजू लिए हैं मैंने, काजू, मिल्क पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट, शुगर, सभी को मिक्स करके ग्राइंड कर देंगे हम, और एक बारीक सा पेस्ट बनाना है। एक बारीक सा पाउडर तैयार हो गया है। अभी हम इसमें फूड कलर यूज़ करेंगे, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, मैंने येलो कलर और ग्रीन कलर मिक्स करके किया है। मुझे लगा कोई नया कलर बनेगा, पर यह ग्रीन कलर ही बन के आया। आई थिंक मैंने ग्रीन कलर ज़्यादा डाला है इसीलिए। अभी अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, अच्छे से बाइंडिंग करने के बाद इसमें थोड़ा मिल्क मिलाएंगे, एक डो की तरह लगाएंगे हम। थोड़ा थोड़ा मिल्क मिला के इस तरह से हम डो लगा देंगे अच्छे से। ये हमारा कितना मस्त ग्रीन कलर का तैयार हो गया है डो। सिंपल सा ही गूंदना है, फटाफट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी हम बड़े जार में 1.5 कप ड्राई कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप शुगर मिक्स करेंगे, और 3-4 कार्डमन यूज़ करेंगे। सभी को मिक्स करके एक बारीक सा पाउडर बनाना है हमें। इसके लिए हम इसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने पर एक बारीक पाउडर तैयार हो जाएगा।
अभी मिक्सर जार से इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए कितना बारीक पाउडर तैयार हो गया। अभी हम इसमें मिल्क मिलाकर, थोड़ा थोड़ा मिलाकर हम इसको डो की तरह तैयार करेंगे। आटा गूंथते हैं वैसे ही। मिल्क मैंने फ्रिज का ठंडा मिल्क लिया है, आप रूम टेम्परेचर मिल्क ले सकते हैं। इसको हम धीरे धीरे मिक्स करते हुए अच्छे से डो लगा देंगे।
डो कंप्लीट होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा आटा लेके उसको लोई जैसा शेप लेके उसको पूरी की शेप में करके उसके अंदर ग्रीन कलर का फिलिंग भर के उसको कवर करेंगे और इस तरह से पेड़ा बना देंगे। आप इसको छोटा और छोटा भी बना सकते हैं। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सभी का इस तरह से बनाएंगे। देखिए मैंने किस तरह से कवर किया है, इसको अंदर ग्रीन कलर का बोल बना के उसको फिल कर दिया अंदर से और ऊपर धीरे धीरे ऐसे कवर कर दिया है हाथ से। देखिए अभी हमारी कितनी सुंदर मिठाई बनके तैयार हो गई है, बहुत ही सुंदर लगती है ये और जल्दी से बन जाने वाली, बिना झंझट के गैस के पास में फटाफट बन गई ना मिठाई। और अभी हम नेक्स्ट शक्कर पाले बनाएंगे, नमकीन शक्कर पाले। शक्कर पाले के बगैर हमारी दिवाली अधूरी ही होती है। इसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया है, उसमें
वन टीस्पून सॉल्ट डाला है और वन स्पून अजवाइन डाली है। इसको हाथ में रब करके इस तरह से डाला है ताकि खुशबू हर तरह से आए। तीन बड़े चम्मच तेल के डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे हाथ में टाइट करके देखेंगे, अगर बंद गया है तो ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है। इस ये मोहन की तरह होता है। अभी हम थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के अच्छे से डो लगाना है टाइट। और अच्छे से डो लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए आटा। अभी हम छोटी छोटी लोई लेके इसको ऐसे बेल देंगे, रोटी की तरह बेलना है इसको। ना पतला रखना है ना ज़्यादा मोटा रखना है।
फिर हम इसे नाइफ से इसको कट कर देंगे। मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है, आप इसको कोई भी शेप में काट सकते हैं, डायमंड या लॉन्ग शेप में भी, इसको लंबा लंबा रख के भी कर सकते हैं। सभी को एक प्लेट में ले लेंगे। तब तक हम इधर गरम तेल रखेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद उसको हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने पेपर के ऊपर इसको निकाला है ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो निकल जाए। देखिए गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने निकाल दिया है और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। देखिए किस तरह से क्रिस्पी शक्कर पारे तैयार हो गए हैं, नमकीन पारे बोलते हैं इसको राजस्थान में। अभी हमारी लास्ट मिठाई बनाएंगे। इसके लिए मैंने भीगे हुए
10 से 15 काजू लिए हैं और 1 कप पनीर लिया है। एक कप शुगर ली है। और इसमें आधा कप मिल्क ऐड करेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे अभी हम, और एक स्मूथ सा पेस्ट बना देंगे। देखिए मेरा किस तरह से ग्राइंड किया है मैंने। अभी हम इसको एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ज़रूरत है तो थोड़ा सा मिल्क और मिला देंगे। अभी हम इसमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे। मिक्स करने के बाद एक अच्छे से डो की तरह तैयार हो जाएगा, सारा मिल्क सूख जाएगा इसके अंदर। अभी हम इसके छोटे छोटे शेप बना देंगे पेड़े जैसा। सभी के अच्छे से छोटे छोटे पेड़े बना देंगे और थंब से मैंने प्रेस किया है तो ये इस तरह के शेप बन गया है। कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी हम इसके ऊपर आलमंड से डेकोरेशन करेंगे। देखिए ये हमारी मिठाई तैयार हो गई, बहुत ही जल्दी से बनने वाला और इतनी झटपट तैयार हो जाती है। कितनी आसान है ना। आप भी बनाइए। अभी हम अकबरी बनाएंगे। ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। मैं जब छोटी थी तब गांव में बहुत खाती थी। मेरे टाउन में ये बहुत ही फेमस है। इसके लिए मैंने 2 कप चावल का आटा लिया है, उसमें 1 कप घी से अच्छे से डाल के मिक्स कर दिया है और ऊपर अभी थोड़ा पानी डाल दिया है। पानी उसको 5-6 आवर के लिए भिगो के रखना है पानी डाल के। अभी एक बार और चेक करेंगे, अगर इसमें कुछ भी लम्स या कुछ भी हो गुठली तो एक बार सब अच्छे से मिक्स करना है ताकि मिठाई में कुछ बनाने में प्रॉब्लम ना आए। और थोड़ी देर के लिए 1 आवर के लिए हम वापस इसको कवर करके रख देंगे। अभी हम इसका मिठाई बनाना चालू करें। एक कॉटन कपड़े को गीला करके उसके ऊपर थोड़ा सा ये बैटर लेके ऐसे पानी से टैप करके उसमें होल करके बीच में सेंटर में, और फिर घी में फ्राई करेंगे। फ्राई हम लो फ्लेम पे करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से सीख बैक हो जाए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम लेके सभी को इस तरह करेंगे, बीच में होल करके मधुर बड़े की तरह, और फ्राई करना है घी में और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। हल्का सा ब्राउन कलर होना चाहिए, फिर हम इसको निकालेंगे ऑयल से। Thank you.
एक एक करके हम सभी को निकाल देंगे इस तरह से स्टिक यूज़ करके। दूसरी तरफ हम चाशनी बनाएंगे। अभी मैंने एक कप शुगर और हाफ कप पानी लिया है। वैसे इसको दो बार शुगर चाशनी पिलाते हैं, पर मैंने एक बार ही किया है क्योंकि मुझे मीठा बहुत कम पसंद है, इसलिए मैंने एक बार ही शुगर में डीप किया है इसको। इस तरह से हम चाशनी बना देंगे शुगर को मेल्ट करके। पता है ये हमारे अकबर के टाइम की मिठाई है, पर अभी तक इंडिया में इतनी फेमस नहीं है ये, और हमारे होम टाउन के इधर इसको हर दिवाली पे बनाई जाती है, इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है। हर दिवाली पे मैं इंडिया थी तब बहुत खाती थी, अभी यूएस में आने के बाद मैंने पहली बार बनाई है, वो भी ये वीडियो बनाना था इसीलिए। इंडिया में हर मिठाई के पीछे कुछ ना कुछ अच्छी कहानी है, इस मिठाई के पीछे भी कोई अच्छी कहानी है अकबर के टाइम पे। ये हमारे अकबर ही तैयार हो गई है, देखिए किस तरह से शुगर सिरप में डीप किया है, गरम गरम शुगर सिरप में। इसको तुरंत खाते तब बहुत ही मज़ा आता है गरम गरम। और हाँ, मैं अभी यूएस में हूँ तो मेरे बेटे को ये सिंपल सा अच्छा नहीं लगा, उसको ये डोनट जैसा लगा, तो मैंने इसको ऊपर चॉकलेट फ्लेवर डाल के कुछ नया बनाया है, वो मेरे बेटे को बहुत पसंद आया। देखिए मैंने मेल्ट चॉकलेट मेल्ट करके उसके ऊपर डीप कर दिया है, अकबरी को उसमें डीप कर दिया है और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है कलरफुल।